हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट 5G गेमिंग स्मार्टफोन बताऊंगा जो आपको अंडर 30,000 रुपीस में देखने को मिलेंगे। और जितने भी स्मार्टफोन बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको मिड रेंज बजट में फ्लैगशिप लेवल वाले गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ में जो इसमें डिस्प्ले मिलेगा वो भी आपको प्रीमियम क्वालिटी का मिल जाएगा। 4nm स्ट्रक्चर बेस्ड पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा और इसके कैमरे से आप 4K तक की वीडियो भी शूट कर पाएंगे। उसी के साथ में 5000mAh की 1 बिग बैटरी के साथ में 120W तक का फास्ट चार्जिंग में भी मिल जाएगा। तो फीचर और परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों सारे स्मार्टफोन आपको एकदम प्रीमियम क्वालिटी के देखने को मिलेंगे। और इन सारे स्मार्टफोन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके इसके बारे में और भी जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं कौन से टॉप 5 बेस्ट 5G गेमिंग स्मार्टफोन है जो आज के इस लिस्ट में आते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो 5वें नंबर पर स्मार्टफोन आता है Xiaomi की तरफ से है। तो अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में प्रीमियम क्वालिटी का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं Xiaomi की तरफ से, तब आप इसको ले सकते हैं। और ये Xiaomi 11X 5G। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली सुपर AMOLED HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 877nm 5G प्रोसेसर, MIUI 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोरियो 585 CPU, आईडिनो 650 GPU, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज, 4520mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 48MP प्लस 8MP प्लस 5MP ट्रिपल रियर कैमरा, 20MP सेल्फी। और इसके रियर कैमरे में आपको EIS मिल जाता है जिससे 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। उसी के साथ में इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है 29,999 रुपीज़ में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो डिस्प्ले दिया गया है, जो कैमरा है, जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो साउंड क्वालिटी है, ये सब कुछ आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और उसी के साथ में जो बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग है वो भी थोड़ा सा कम है प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलता है क्योंकि ये फ़ोन थोड़ा सा पुराना है। लेकिन अगर आप एक Xiaomi की तरफ से ही स्मार्टफोन लेना चाहते हैं अंडर 30,000 रुपीज में गेमिंग के लिए, तब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें भी आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच देखने को मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के लिस्ट में जो 4th नंबर पर स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से है। और इसमें भी आपको जितने भी फीचर दिए गए हैं सब आपको एकदम प्रीमियम क्वालिटी के टॉप नॉच देखने को मिलते हैं। और यह है Realme GT Neo 3T 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.62 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 877nm 5G प्रोसेसर, Realme UI 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोरियो 585 CPU, आईडिनो 650 GPU, LPDDR5 रैम टाइप, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप, 5000mAh की 1 वीक बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP सेल्फी। और इसके रियर कैमरे में EIS मिल जाता है जिससे 4K वीडियो 60fps पे और फ्रंट कैमरे में भी EIS दिया गया है जिससे आप 1080p पे 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। उसी के साथ में इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट 29,999 रुपीज़ में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें भी आपको जो डिस्प्ले दिया गया है, जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो कैमरा है, जो बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग है, सब कुछ आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा जो है आपको 16MP का ही दिया गया है जिससे आप 1080p तक वीडियो शूट कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों इसमें ऐसा कोई भी मेजर कॉन्स नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक Realme की तरफ से गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तब आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें भी आपको सारे फीचर बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो 3rd नंबर पर स्मार्टफोन आता है Aiko की तरफ से है। और कुछ दिन पहले दोस्तों ये स्मार्टफोन नंबर 1 पे आता था अगर गेमिंग के मामले में बात करें तो, क्योंकि इसमें आपको जो प्रोसेसर दिया गया है आपको फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। और यह है Aiko 9SE 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.62 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले, जिसमें पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G 5nm प्रोसेसर, फनटच 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोटेस A78 CPU, आईडिनो 660 GPU, LPDDR5 रैम टाइप, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप, 4500mAh की बैटरी, 66W फास्ट चार्जिंग,
48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, और इसके रियर कैमरे में आपको YS दिया गया है, और इसके रियर कैमरे से 4K वीडियो 60fps पे और फ्रंट कैमरे से 1080p पे 30fps तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं। और इसी साथ में इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 8GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट है 30,990 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलता है। उसी के साथ में जो डिस्प्ले दिया गया है, जो बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग है, जो कैमरा है, ये सब कुछ भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इसके डिस्प्ले में पांड्या ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, अगर गोरिल्ला ग्लास 5 का रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता। ओवरऑल दोस्तों अगर आप एक स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप लेवल वाला परफॉर्मेंस वाला चिपसेट वाला फोन लेना चाहते हैं तब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इसमें आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन है वन प्लस की तरफ से है, और इसमें भी आपको जो प्रोसेसर दिया गया है, जो डिस्प्ले है, जो कैमरा है, जो बैटरी बैकअप है, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है, और यह है वन प्लस 10R 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली फुल एमोलेड HDR 10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, MediaTek Dimensity 8100 Max 5nm 5G प्रोसेसर, ऑक्सीजन OS 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोटेस A78 CPU, माली G610MC6 GPU, LPDDR5 RAM टाइप, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप, 5000 mAh की एक बिग बैटरी, 80 वाट फास्ट चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, और इसके रियर कैमरे में YS और EIS दोनों दिया गया है, और इसके रियर कैमरे से 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे में भी आपको EIS मिल जाता है, जिससे 1080p पे 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। उसी के साथ में इसमें भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 8GB 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट 31,999 रुपीज़ में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो डिस्प्ले दिया गया है, जो बैटरी बैकअप है, जो फास्ट चार्जिंग है, जो कैमरा दिया गया है, जो साउंड क्वालिटी है, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस पे ऑफर्स को अप्लाई करते हैं तो इसकी प्राइस आपको 30,000 के अराउंड देखने को मिल जाती है, और उस प्राइस रेंज पे वन प्लस की तरफ से फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों आज की लिस्ट में जो नंबर एक पे फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन आता है AVICO की तरफ से है, और इसमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एकदम टॉप नॉच देखने को मिलता है अंडर 30,000 रुपीज में। दोस्तों इससे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा, और जो बाकी के फीचर हैं वो भी एकदम टॉप नॉच है। आइको नियो 7 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड HDR 10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें MediaTek Dimensity 8200 4nm 5G प्रोसेसर, फनटच 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोटेस A78 CPU, माली G610MC6 GPU, LPDDR5 RAM टाइप, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप, 5000 mAh की एक बिग बैटरी, 120 वाट फास्ट चार्जिंग, 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, और इसके रियर कैमरे में आपको YS मिल जाता है, जिससे 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। उसी साथ में इसमें भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है। प्राइस की बात करें तो आपको 8GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है 29,999 रुपीज़ में आता है। बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अंडर 30,000 रुपीज़ में आपको 4nm स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोसेसर मिल रहा है, इससे आपको 8.93 लाख के अराउंड एंटूटु स्कोर निकल के आता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस एकदम फ्लैगशिप लेवल का मिल जाता है। उसी के साथ में जो डिस्प्ले है, जो बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग है, जो कैमरा है, ये सब कुछ भी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके डिस्प्ले में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, और जो फ्रंट कैमरा है वो भी उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ छोटे मेजर कॉन्स इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं अंडर 30,000 रुपीज़ में, तो उस प्राइस रेंज पे सबसे बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है आइको की तरफ से। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज़। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।